एंगल ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं 30 और 50, 50 एमएम के आसपास ले लेते हैं। इसे आप यहाँ से ले लीजिए 50 एमएम या 60 एमएम ले लीजिए, 60 ले लेते हैं, 60 बाई 60 का 60 ले लिया। और ये वैसे इधर से लेंथ में ना बड़ा होता है, तो आप इधर से 80 ले लीजिए और इधर से 60 ले लिया। अभी आपको फिलेट यहाँ पे अभी नहीं करना है ना, फिलेट अगर कर देंगे तो ड्राफ्ट में ना सही नहीं आएगा, तो आप इसको भी ऐसे रहने लीजिए, एग्जिट करते हैं। और फिर इसके बाद अब हमें इसकी हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए हम ले लेते हैं 80 या 90 के आसपास कुछ ले लेते हैं। इसे एक्सट्रूड किया, सेलेक्ट, इसे 0, रिवर्स डायरेक्शन 80, 90 ठीक लग रहा है, 90 ठीक है, 90 हमने ले लिया। और 90 के साथ में ड्राफ्ट भी आपको देना पड़ेगा, यहाँ से ड्राफ्ट ले लेते हैं, ड्राफ्ट ऑफ सेक्शन 5 का ड्राफ्ट ले लेते हैं, ओके, 5 का भी याद आ गया, 4 ले लेते हैं, इसको फिलहाल हाइड कर देते हैं, हाइड हो गया। अब यहाँ से आप राउंड लीजिए, फिलेट, फिलेट ड्राफ्ट करने के बाद लगाते हैं, और आप इसे करते हैं राउंड। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर का राउंड ज़्यादा लग रहा है, नीचे का राउंड कम लग रहा है ना। और यहाँ से प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे इक्वल ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जाते हैं और रिसेट, एक को क्लिक किया और वेरिएबल रेडियस में जाते हैं और वेरिएबल रेडियस क्लिक किया, एक तो ऊपर है और एक नीचे है, तो यहाँ से जाइए, फर्स्ट ऊपर वाले पे हमने 15 ले लिया, ठीक है, ऊपर रेडियस ज़्यादा नीचे की तरफ कम, और जो सेकंड वाला है इसे क्लिक किया, इसको हमने कर दिया 8, ठीक है, और अप्लाई, सेम इधर ऊपर वाला कितना, 16 लिया था हमने, 15 लिया था, और सेकंड पॉइंट जो है ये वाला, ये 8, अप्लाई, इधर से आ जाइए, फिर बेस एक ऊपर का 15 और नीचे वाला 8, अप्लाई, और ये ऊपर वाला 15 और नीचे वाला 8 और ओके। ये हमने इस तरीके से बना दिया, नीचे भी राउंड लगा हुआ है तो फिलेट ले लेते हैं और नीचे की तरफ यूनिफॉर्मली मैं बना देता हूँ, ठीक है, 5 का आ रहा है, ओके, 6 का कर दिया, ये नीचे की शेप के लिए मैंने अभी ये बना लिया। ऊपर का ये जो शेप आ रही है ये भी बाद में बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी इसे शेल भी करने वाला हूँ, तो अगर शेल करके इसको पहले कर देंगे, शेल करेंगे तो फिर ये शेप ना प्रॉपरली आ नहीं पाएगी। तो अब कर देते हैं यहाँ से शेल, इसको सिलेक्ट किया, अप्लाई, और ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये 1 mm है मेरे पास, तो यहाँ पे आप देखो दो रिब आ रही है, एक तो रिब ऐसी आ रही है और एक रिब ऐसी आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक को तो करेंगे पतला और एक को करेंगे मोटा, तो जो वर्टिकल वाला है उसको तो मोटा रखेंगे और जो ये वाली हॉरिजॉन्टली वाली आ रही है उसे रखेंगे पतला। तो इसको मैंने अभी फिलहाल 1 ही रखा और यहाँ से जाते हैं, ऑरिएंटेशन इसका ठीक कर लीजिए, ये आ गए, और ये रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस रेक्टेंगल की शेप जो है वो हमें कट करनी है। तो क्या करते हैं, यहाँ से ये ना हल्का सा नीचे गैप होगा, है ना, ये फिलेट हमने लिया तो फिलेट यहाँ तक है, हल्का सा ऊपर ले लेंगे, बिल्कुल यहाँ तक नहीं मैच कर रहा, ऊपर से भी गैप ले लेते हैं, तो मैंने क्लिक किया यहाँ से यहाँ तक, राइट, और डायमेंशन ले लेते हैं ये और इसके बीच,
टू का गैप ले लिया ऊपर, ये और ये फोर का ले लेते हैं, और इधर ये भी टू का ही ले लेते हैं, और इधर से भी टू का ले लीजिए, राइट। ये राउंड है, ये राउंड को बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल ऐसे ही ले लेते हैं और फिनिश। या साथ में ही अगर आप करना चाहते हैं तो मैं साथ में या उसका ये भी कट ले सकता हूँ, एक दो तीन चार पाँच, पाँच मेरे पास एक कट है। तो यहाँ से लिया हमने, ये एक मैंने शेप ये ले ली है, और एक बार यहाँ से जाते हैं इसका साइज लेके, इसके लेंथ क्या है एक बार लेंथ भी चेक कर लें। ये 78, इसको 78 की जगह कुछ राउंड फिगर कर देते हैं, तो राउंड फिगर से हमें थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा कि इसको जब यूज़ करेंगे ना तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो नीचे का गैप मैंने हटा दिया, अब इसको हमें लेना है, और इसके लिए हम क्या करते हैं एक मिनट इसे भी होल्ड कर देते हैं, और इस वाली वैल्यू को ले लीजिए, ये हमने लिया और ये 10 है, एक दो तीन चार पाँच 50 इसको हमने 10 ही कर दिया, ये तो ठीक हो गया। अब देखिए 10, 20, 30, 40, 50 हो गया, और 30 का गैप और बचा, अगर मैं इसे 80 कर देता हूँ तो 30 को 1, 2, 3, 4 बार डिवाइड करेंगे तो हम इसको 78 ही रख लेते हैं, 78 ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से जाते हैं और इसे करेंगे पैटर्न, और पैटर्न में मैंने ये ले लिया डायरेक्शन, जी वाली डायरेक्शन, और मुझे सिर्फ 5 चाहिए, और गैप 10 प्लस 6 ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, और ओके इसे कहते हैं फिनिश। अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ ये कि ये यहाँ पे बनाएंगे और कट करेंगे तो पूरा कट हो जाएगा, पर पूरा कट करना ही नहीं है, कट हमें कम करना है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ कर प्रोजेक्ट कर, और कर कौन सा सिंगल सिंगल कर ये लिया, एक दो तीन, और एक सबसे नीचे वाला होगा ये, ठीक है। इस कर को इस वाले फेस पे डायरेक्शन उधर जा रहा, उधर नहीं इधर इस तरफ आना चाहिए, वो साइड नहीं सिंगल एक साइड में प्रीव्यू, ये देखिए इसके ऊपर आ गया है, ओके कर दिया जाए, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस में से हल्का सा हमें कट करना पड़ेगा 0.5, ठीक है। तो क्योंकि हल्का सा डीप होगा ताकि ये नीचे का जो एरिया है ना वो बच जाए, तो हम 0.5 कर लेते हैं, 0.4 कर लेते हैं, ऐसा कुछ कट कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ से डिवाइड फेस लेते हैं, ये वाला फेस है और ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। अब यहाँ से आप ले लीजिए मूव या ऑफसेट, ऑफसेट को क्लिक किया और 0.4 और माइनस में, ओके। अब इसके बाद यहाँ से जाते हैं एक्सट्रूड में, और एक्सट्रूड में जाने के बाद मैंने यहाँ से ले लिया रीजन, प्रीव्यू को मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे फिर बाकी सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब देख लीजिए, अब इसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और चाहें तो इसको आप सिमेट्रिक कर दीजिए और कट कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से दोनों साइड कर दिया, इधर पीछे की तरफ अभी इंप्रेशन ये वाला नहीं आया जो हमने ये वाला काटा था, ठीक है। ऐसे ही मुझे इधर भी चाहिए होगा,
तो क्या करते हैं हम, ये जो हमने कट करा है इसको सिलेक्ट किया, अच्छा लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा है तो बात बनेगी नहीं, इसको अलग से बनाना पड़ेगा। या इधर का पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम, और यहाँ पे बीच में एक रिब आ रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक लाइन चाहिए हमें ऐसी, और उसको हम 3D में फिर कट करके बनाएंगे। ये हमारी पतली वाली रिब हो गई, अभी भी गैप इसका ज़्यादा है, खैर कोई बात नहीं। अब ये जो है ये चाहिए हमें, इसी भी मैच हो रही है, पर ये भी टेपर है, यहाँ से स्केच लेते हैं, सामने वाले फेस पे गए और क्लिक, और ये यहाँ से पूरा मैच होगा। तो हमने इसको पिक किया, इसे फिनिश करते हैं, इसे एक्सक्लूड करेंगे, ये सिंगल लाइन इस तरफ आ रही है, इस तरफ कितना चाहिए हमें, कितना कट किया था हमने, ये जो कट करा था 0.4 करा था, तो इसे 0.4 ही ले लीजिए आप। और यहाँ से गए और यहाँ से लिया हमने सिमेट्रिक, इस साइड में हमने लिया 1 से 2 mm की एक रिब बन जाएगी, जो कि यूनाइट हो जाएगी और देखें फिर भी ये प्रॉपरली क्या मैच नहीं हो रहा अंदर की तरफ। अब यहाँ से तो हो रहा है, ये नीचे की तरफ से नहीं हो पा रहा है ना, ये देखिए यहाँ से टच नहीं हो पाया, और ये है भी कम, इसको आप करिए 1, पूरा 1 होना चाहिए। चलिए खैर, इसे मैंने अभी नन कर दिया अगर मैच नहीं हो रहा है तो, और ओके, ये इसके साथ जुड़ना चाहिए था, जुड़ क्यों नहीं पाया, क्योंकि ये लाइन जो है ना बिल्कुल किनारे पे टच हो रही है, हल्की सी बड़ी होगी, बस इतना सा भी आप इसे बढ़ा दोगे तो इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। अब करेंगे यूनाइट, हो जाएगा, ठीक है, ओके, स्केच को हाइड कर दो, ये आ गया, तो एक नीचे है एक ऊपर है, इस पर राउंड लगाने पड़ेंगे अभी, है ना, राउंड वगैरह लगाना पड़ेगा, वो तब आएगा जब हम इसे आगे बना लेंगे, उसके बाद आप ले लेते हैं ऐसे लीनियर, और लीनियर में जाके ये डायरेक्शन हो गई मेरी, और 2 और 2 4 4, और इधर देखा जाए सिमेट्रिक, ज्यादा पास पास आ गया है, हम इसे कर देते हैं 6 की जगह पे 4, और 6 कट रहा, ये गैप 6 का कर देते हैं, राइट, और ओके, ओके, ऐसा ही पीछे की तरफ करना है हमें सेम, और ऐसा ही हमें इस तरफ करना है। तो पीछे वाले में टाइम में वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं एक इधर साइड का बना देता हूँ पहले, फिर देखते हैं। तो क्या किया, यही शेप यहाँ पे चाहिए इस तरीके की, यहाँ से ले लीजिए, वायर फ्रेम रेक्टेंगल, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, मिला देते हैं, और
ये गैप हमने 2 का लिया था, यहाँ पे भी 2 ही ले लेते हैं और क्लोज। और बीच के जो रेक्टेंगल हैं वो लिए थे, तो रेक्टेंगल लिया यहाँ से यहाँ तक और ये है 10। फिर यहाँ से हमने सेम जैसा वहाँ पे किया था वही सब यहाँ पे कर रहे हैं दोबारा से, और इसे सेलेक्ट किया डायरेक्शन, ओके फिनिश, शेडिंग ऑन। ये वाले को मैं हाइड कर देता हूँ और फिर यहाँ से गए कर्व में, और कर्व में जाके हमने करा प्रोजेक्ट और इसे हमने कहा ये वाला इंक्लूडिंग दिस, इस वाले फेस पे डायरेक्शन वेक्टर और ओके। इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिवाइड, बॉडी फेस नहीं लेना है, सिंगल फेस लेना है, और ये हमारा रेक्टेंगल, और यहाँ से ऑफसेट ये फेस 0.4 रिवर्स में और ओके। एक्सट्रूड रीजन के साथ इसे कर देते हैं सब्सट्रैक्ट, ओके। और इस वाले फेस पे जाते हैं यहाँ से लाइन लेते हैं और इस पे टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, डायमेंशन कर दीजिए और एक्सट्रूड सिंगल लाइन 1 रिवर्स अभी नन ऑफसेट सिमेट्रिक यूनाइट और ओके आ गया। और हमारी जो विड्थ है कम है तो उस हिसाब से हमारा आ जाएगा, हम इसको एक्सट्रूड को सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन ये वाली और काउंट 3 भी नहीं आएंगे लगता है, 2 ही आ जाए राइट। पिच का डिस्टेंस 7 कर देते हैं और ओके। अब ये जो काम है इधर और इधर भी करना पड़ेगा तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो हम क्या करते हैं एक प्लेन लेते हैं और प्लेन हमने लिया, इन दोनों को सिलेक्ट करके 45 का एंगल और देखें, नहीं ये फिर काट नहीं रही है, अलग जा रहा है और ये अलग जा रहा है, नहीं बात नहीं बनेगी। तो क्या किया जाए, इसको पीछे की तरफ लेके जाना है तो आधा कट कर दें पहले, चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी अगर करेंगे तो इस ये वाला भी चला जाएगा, पर मैं चाह रहा था कि ये दोनों ही बच जाते तो ज़्यादा ठीक रहता। चलिए देखते हैं, देखो ट्रिम किया यहाँ से, ट्रिम लेके पूरी बॉडी को सिलेक्ट किया और प्लेन सिलेक्ट कर दिया, अप्लाई कट हो गया, फिर से सिलेक्ट किया और इसे भी कट कर देते हैं ओके। अब हम यहाँ से लेते हैं मिरर, मिरर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री है ये
मिरर प्लेन है ये वाला, अप्लाई, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया और मिरर प्लेन है ये वाला, राइट, चारों तरफ आ गया, यूनाइट कर दिया जाए ताकि ये सब आपस में जुड़ जाएं, ठीक है। तो दोबारा बनाने से मैं बच गया, नहीं तो मुझे सारा ये इधर भी बनाना पड़ता और दूसरी तरफ भी बनाना पड़ता। मैंने एक ही बार में यूज़ कर लिया ऑप्शन, उस ऑप्शन की मदद से हमने से बना लिया। अब ये कर्व आप देख रहे हैं, ये कर्व दिख रहा है, ये वाला कर्व अगर बनाना चाहें तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनेगा। प्लेन को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे इसके मिडिल पॉइंट पे लेके आ गया मैं प्लेन को, अप्लाई और ओके, और यहाँ से जाते हैं प्लेन पे स्केच करेंगे और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन कर्व, ठीक है। जिसने टेंजेंट फेस ले लिए तो सारे फेस एक साथ आ गए, टेंजेंट फेस आने से सारे एक साथ आ गए। तो हमने कहा सिंगल फेस, ये फेस, ये फेस, अच्छा एक बार में एक को ही लेगा, तो एक को लिया अप्लाई, फिर लिया अप्लाई, फिर ये अप्लाई, फिर ये अप्लाई, अब इसके अंदर आप ये शेप देना चाहते हैं ये, कि जैसी भी शेप आपको चाहिए, जैसा भी आप रखना चाहते हैं वैसी शेप रख लीजिए। पर फिलहाल में मैंने कहा कि इसे ट्यूब में, ट्यूब की टाइप की शेप ले लेता हूँ, तो ट्यूब में गए और प्रीव्यू, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया है ना, ज़्यादा बड़ा लग रहा है, छोटा कर देते हैं, वन कर देते हैं इसे, अप्लाई, ये वन आ गया, राइट। और इसके साथ में अभी जुड़ा हुआ भी नहीं है तो इसको आप यहाँ से यूनाइट भी कर सकते हैं, अप्लाई, ये सिलेक्ट किया, अप्लाई, ये अप्लाई और ये अप्लाई, राइट। सिमिलरली आप बाकी भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसी शेप नहीं चाहिए, कुछ और शेप चाहिए, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा और बनाने के बाद उसके बाद हम इसको ले पाएंगे। अब आती है बात ऊपर वाली, ये शेप है इस शेप की। अब यहाँ से ये प्रॉपरली मुझे शो तो हो नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि जितना भी इससे हम मिला सकते हैं उतना मिलाने की कोशिश करेंगे। कि कुछ इस तरीके से मैंने लिया है और शेप तो ठीक आ गई है, लेकिन साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो पहले बना देते हैं और फिर इसको फिलेट वगैरह इसके बाद लगा देंगे। स्वेप्ट, ये वाला कर, गाइड और ओके, आ गया। अब फिलेट लगाना है तो यहीं से देते हैं, ये रख फिलेट और क्लिक, टू का फिलेट, राइट, और इधर से अप्लाई, आप फिर थोड़ा जूम करिए और अंदर वाला लेंगे और ओके, ये जो है लाइन, ये हर किसी
टेपर ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये दोनों को मैंने मैच करा दिया है, तो इसको आप डिलीट करिए और इसका टेपर कम करते हैं, है ना। और ओके, एज ब्लेंड एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं ये वाला जो एज ब्लेंड है, तो इसे आप डबल क्लिक करें और इसे हमने हटाया, नई बात बनी। असल में क्या हुआ, जिस पर हमने इसे बनाया था ना, वो वाला एज जो है ना गायब हो गया है, हट गया है यहाँ से। तो इस वाले ब्लेंड को मैंने डबल क्लिक किया और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं 1.5। इससे क्या होगा, मुझे अंदर वाली जो एज है वो प्रॉपरली शो हो जाएगी। अब आप इसको 1.5 या 2 लेना चाहेंगे तो ये ले लेना, राइट, ये आ गया। और ओके, पर अभी तो बात ये हुई कि ये हमारा सरफेस में बना है, हमें शीट में इसे लेना है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से जाइए और लेते हैं शीट, ठीक है, सेलेक्ट और 1 चाहिए, 0, और ये अंदर आ रही है कि बाहर आ रही है एक बार ये देखना है हमें। और प्रीव्यू, बाहर आ रहा है, अंदर चाहिए, और ओके, और सरफेस को, ये जो सरफेस थी इस सरफेस को हाइड कर देते हैं। अब ये इसके साथ अगर टच हो रही होगी तो जुड़ नहीं पाएगा, अगर हल्का से भी गैप होगा तो, अगर प्रॉपरली टच होगी तभी ये जुड़ पाएगा। तो यूनाइट करके देखते हैं, पता चलेगा हमें कि इसके साथ प्रॉपरली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो पाया, राइट। ये देखिए, दिख रहा है ये किनारे, मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले को हमने पूरे को हाइड कर दिया तो आपको ये दिख गया। अब ये जो है ना अंदर वाला फेस, इसको आप करिए यहाँ से ऑफसेट, ये वाला फेस, इसको अंदर की तरह 0.5 ले लो, है ना, या 1 ले लो, आपकी मर्जी है। और जो हाइड कराया उसको ले आते हैं वापस, इसको शो करा दीजिए। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए, अब यूनाइट कर सकते हैं इसको, और इसको यूनाइट करते हैं और ओके, जुड़ गया इसके साथ। तो सरफेस की मदद से बनाया और बाद में जोड़ दिया। ये वाला बहुत अच्छे से लग नहीं रहा, बाकी इसको हम ठीक कर सकते हैं और शेप इसकी रेक्टेंगुलर दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको, इसे 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 चारों को मैंने डिलीट कर दिया, और सपोज ये वाला ही है, ये लेना है तो हम क्या करेंगे, डाटम प्लेन, और प्लेन को सिलेक्ट किया, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, किनारे पे ले लीजिए, ओके, इसे सिलेक्ट करेंगे और स्केच हॉरिजॉन्टल, ओके, इसकी मोटाई कितना रखना चाहते हैं और इसकी लेंथ आप डायमेंशन कर लीजिए जितना भी चाहिए। फिलहाल मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, इसको लिया, आप लेते हैं स्वेप्ट, ये वाला मेरा सेक्शन है, गाइड, सिंगल कर और प्रीव्यू, राइट। और अगर आपका ये प्रॉपरली है तो आप इसको इसके साथ में यूनाइट भी कर सकते हैं, अगर प्रॉपरली नहीं है तो फिर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, देखते हैं। देखो नहीं टच हो रहा, तो क्या करेंगे, इसको हाइड करिए और इसको हल्का सा बड़ा, या जब ये साइज़ बनाया था रेक्टेंगल का, थोड़ा सा अंदर बनाना था बस, ये इतना ही करना है इसको। क्लिक किया 0.5 और ओके, ये आ गया, कहाँ है ये रहा, अब हो जाएगा इसको और इसको, राइट। सेम इसी तरीके से इधर भी चाहिए, उधर भी चाहिए, उधर भी चाहिए, सब जगह पे आप ले सकते हो। चलो तो चार जगह पे तो मैं करके आपको दिखाई देता हूँ। यूनाइट से पहले, यूनाइट से
पहले आप इसे कर दीजिए डिलीट, और मिरर कर देते हैं यहाँ से हम मिरर, इसको सिलेक्ट किया, कौन सा है ये स्वीप और ये ऑफसेट, ऑफसेट वैसे होता नहीं है कई बार, तो सिलेक्ट कर लिया हम, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। हो गया, ये और ये तीनों को सिलेक्ट कर दिया, और प्लेन हमारा ये है, अप्लाई क्लोज आ गया, ये सब जगह से कर्व को हाइड कर दीजिए, और जो हमने कर्व लिए हैं और प्लेन लिया है इसको भी हाइड, प्लेन को भी हाइड कर देते हैं, और इन सबको यूनाइट कर देते हैं, ये है राइट, बस ये सारे के सारे शार्प कॉर्नर हैं, इन सबको हल्का हल्का राउंड करना चाहते हैं, राउंड कर दीजिए, बाकी हमारा काफ़ी हद तक बन गया है ये, इसको नीचे की तरफ ले जाना, इसकी विड्थ ज़्यादा है, विड्थ कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस आपको एक तरीका बता दिया ये। सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके हम कलर ले लेते हैं,